नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और अशरफ देख रहे हैं बोलता खगड़िया। सावन की तीसरी सोमवारी शिव भक्तों की उमड़ी थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रही है, मुंगेर के छर्रापट्टी से गंगा जिससे जल भरकर खगड़िया शहर के बलवाही स्थित ठाकुर बाड़ी में जलाभिषेक करने पहुंचे खगड़िया के पूर्व नगर सभापति मनोहर कुमार यादव एवं उनके समर्थक को आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नाचते झूमते मुंगेर के छर्रापट्टी से पैदल चलकर ठाकुर बाड़ी स्थित शिवालय में जो है वो जलाभिषेक किए। इसके अलावा आपको बता दें कि मुंगेर के छर्रापट्टी से बड़ी संख्या में जो कांवड़िया हैं वो सहरसा जिले के बटेसर धाम के लिए भी कल शाम से ही वो रवाना हो चुके थे और लाइव तस्वीर भी हमने आपको कल दिखाई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगवानी घाट से भी उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर लोग जो है बड़े पैमाने पर कांवड़िया सहरसा के बाबा बटेसरनाथ धाम के लिए भी रवाना हुए। वहीं जिले भर के तमाम उन शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सब लोग जो है अपनी अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। इसके अलावा वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान खगड़िया के पूर्व नगर सभापति मनोहर कुमार यादव ने कहा कि शिव जिसे उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से समाज में अमन चैन और शांति बरकरार रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसके अलावा नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में भी उन्होंने एक बड़ी बात कही है। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग इस माध्यम से अपने आप को ये भी समाज में जो आज बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई हैं, जैसे बच्चे नशे के शिकार हो गए, उसके पीछे कारण है कि लोग आज खेलता नहीं है, पूजा अर्चना पर अध्यात्म पर जो है बल नहीं देता है, नशा में डूब जाता है, समाज में भी अब कोई किसी को कहने लायक नहीं रहा, कोई पहले बुजुर्ग को देख करके बच्चे सहम जाते थे, कोई गलती नहीं करते थे, आज चौक चौराहा पर जो है नौजवान सिगरेट पीता है, नशा करता है। तो हम लोग समाज को जीवित करने के लिए, समाज में नया ऊर्जा भरने के लिए और समाज के नौजवानों को एक राह दिखाने के लिए जो है पैदल चल के माँ गंगे का आशीर्वाद लेके गंगा जल लेके महादेव को अर्पित किए हैं और भोलेनाथ से ये प्रार्थना किए कि समाज का उन्नति हो, समाज का कल्याण हो, समाज में लोग जो है नए ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें और बेहतर समाज का निर्माण हो, समाज में अच्छा संस्कार हो, बच्चे पढ़े, बच्चे खेले, बच्चे अध्यात्म से जुड़े, बच्चे में एक संस्कार हो, इसके लिए हम लोग जो है आज सुबह हम लोग 4:50 में गंगा जल स्नान करके उठाए और अभी देखिए यहाँ हम लोग जल चढ़ाए। कहाँ से उठाकर कहाँ पर चढ़ाए? मुंगेर घाट जो है छर्रापट्टी जिसको कहते हैं मुंगेर घाट, वहाँ से हम लोग पैदल चल के गंगा स्नान करके अभी 51 हम लोग 4:50 से वहाँ चले थे और यहाँ 7:50 में हम लोग महादेव को जल चढ़ाए और आशीर्वाद लिए। क्या नाम है आपका? मैं मनोहर कुमार यादव, पूर्व नगर सभापति खगड़िया। तीसरी सोमवारी के दिन काफी उत्साह दिखा जा रहा है। भक्त दूर दूर से गंगा जल लेके शिव को अर्पण कर रहे हैं। बेलपत्र फूल की धार चल रही है और अनेक प्रकार के भक्त दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ और शिव जी के सामने बेलपत्र और जल से सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं और अपने जन कल्याण के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए, सब रिश्तेदारों के लिए मनोकामनाएं मांगते रहते हैं। इसी के साथ मैं विक्रम कुमार झा, राम जानकी बलवाही, ठाकुरबाड़ी। लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, जो दे उन्हें किसी भी रास्ते पर गति और किसी भी चुनौती से लड़ने की शक्ति, और वो साथ निभा रहा है BKT टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। BKT टायर्स। खगड़िया शहर का एकमात्र रेमंड शोरूम जहां आपको मिलता है रेमंड्स के सभी कपड़े उपलब्ध, नक्कालों से सावधान। पता है खगड़िया शहर के सागर मॉल चौक स्थित
भारत वस्त्रालय के बगल में, स्टाइल बाजार के बगल में द रेमन शॉप। बिल्कुल आपने सही सुना, इस लगन के मौके पर आप आज ही पधारे।